हाय हेलो हेलो, माय नेम इज़ हर्षिता भावसार एंड आई एम फ्रॉम एमपी। और मैंने यहाँ पर मैम से इम्प्रेशन इंटरनेशनल एकेडमी से मैंने सिडेस्को मीडिया मेकअप का कोर्स किया है। तो पहले तो मैं पुणे में मैं पहले कभी एमपी से बाहर निकली ही नहीं थी, तो पुणे मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था और मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी है कौन सी नहीं है। फिर सबसे पहले हमने गूगल पे सर्च किया जो जो इंस्टीट्यूट अच्छी थी, फिर हमने ना मैम के रिव्यूज़ वगैरह देखे। तो हम यहाँ पर आए, फिर हम जैसे इंस्टीट्यूट ही विज़िट किया हमने, तो इंस्टीट्यूट विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हम गए ना, तो वहाँ पर कुछ वर्बल चीज़ें नॉन वर्बल चीज़ें ना बहुत ऐसा लग रहा था कि वर्बल कम्युनिकेशन उनका थोड़ा सा ऐसा मन में ना सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर आए, मैम का हमने इंस्टीट्यूट विजिट किया, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन लगा कि नहीं यार जगह बहुत अच्छी है। फिर हमारी ना अबोली मैम से बात हुई, तो पहले जब मैंने मैम ने सिडेस्को के बारे में बताया, पर मेरे मन में एक डाउट था कि यार मैंने अभी तक है ना जीरो, मतलब मुझे मेकअप का जीरो नॉलेज है, तो मैं एकदम सडनली मैं कैसे सिडेस्को के लिए आई। फिर भी हिम्मत किया मैंने सिडेस्को कोर्स के लिए। फिर भी जब फर्स्ट बेच थी मेकअप की फर्स्ट बेच, तब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे को मेकअप का जीरो नॉलेज था, मुझे पता भी नहीं था ब्रश कैसे पकड़ते हैं, लिप लाइन कैसे करते हैं, मैंने कभी ब्रश भी नहीं पकड़ा था मेकअप का। फिर मैम से मिले, फिर मैम के साथ बात करके ना बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था, ऐसा कोई मतलब बहुत अच्छा हो गया था बॉन्ड। फिर धीरे धीरे आपका जर्नी कैसे रहा क्लास का? जर्नी क्लास का बहुत अच्छा रहा, फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, पुणे के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है। पहले हम आए थे तो हम डरते थे कि नहीं यार हम एमपी से है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, कौन कैसा है क्या पता, पर हम जब यहाँ पर सबसे मिले ना तो सच में मेरे फ्रेंड्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हेल्प भी किया उन्होंने मुझे मेकअप में। और आपका पूरा एजुकेशन जर्नी और एग्जाम कैसा था? एजुकेशन जर्नी भी बहुत अच्छा था, मैम हमको क्लास में ले लेके बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हुए, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था, हंसी मजाक करते हुए हमारा मैम समझाते थे। और थ्योरी के बारे में बताओ, थ्योरी कितना थ्योरी बहुत ज़्यादा थ्योरी था, थ्योरी इतना ज़्यादा सिडेस्को में डीप में था कि हमने फेशियल बोन्स, बॉडी बोन्स, हमने मसल्स यहाँ तक का स्टडी किया। और जब मैं स्टडी कर रही थी ना ये सब एग्जाम के लिए, तब मुझे एक मन में ख्याल आया इससे अच्छा ना मैं एक आईएएस का प्रिपरेशन कर, मतलब आईएएस का प्रिपरेशन भी मुझे लग रहा था कि मैं आईएएस का प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत हाई लेवल पे था। अपने एजुकेशनल ये सब वीडियोस थे, लेक्चर्स वो आपको कैसे लगे? हाँ मैम, जो मैम ने फिर ना उस बीच में भी फिर हम ना 7 to 8 months यहाँ पर किया क्लास, और बीच में लॉकडाउन आ गया था। फिर लॉकडाउन में मैम ने ऑनलाइन क्लासेस ली हमारे लिए और ऑनलाइन हमारे लिए वीडियोस मैम ने बनाई, तो वो हम वीडियोस पूरा लॉकडाउन हमको टू इयर्स तक मैम की हमें वीडियोस अवेलेबल थी, तो वही सारा थ्योरी हमने वहीं से पूरा कवर किया। तो अब तो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत इजीली और अच्छे से समझ में जो आता आपको था। प्रॉमिस किया था हम लोगों ने वीडियोस में, प्रॉमिस करते सिलेबस में प्रॉमिस करते, वो सब मिलता हाँ, है क्या? वो सब कुछ पूरा मिला था, पूरा मैम के यहाँ से जो मैम ने बोला था कि इतने मतलब 30% प्रोडक्ट, हाँ नहीं 70-85% प्रोडक्ट, 80-85% हमारी साइड से रहेगा, मतलब इंस्टीट्यूट की साइड से, बाकी हमारे साइड से था, जैसा मैम ने प्रॉमिस किया था वैसा ही मिला। एंड आपको अभी क्या लगता है सिडेस्को का यूज़ आपको आगे जाके कैसा होगा? सिडेस्को का यूज़ मैम एक स्टैंडर्ड हो गया है, जैसे मैं ना वहाँ पर मेरे यहाँ पर एमपी में मैं हूँ, वहाँ पर मैं मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं मैंने बहुत हाई लेवल का किया है, और उनके वर्क में और मेरे वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत क्लैरिटी है, और सिडेस्को में सच में बहुत ज़्यादा मेकअप बहुत डीप में बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। Yes, and does it depend on institute के? हाँ, ये institute पे सबसे ज़्यादा depend करता है कि आप कौन से institute से कर रहे हो, क्योंकि हर जगह पर available मतलब क्लास रहेगा। हाँ, क्लास हर जगह से कोई भी मतलब इतने अच्छे से explain नहीं कर पाता, ना ही मैं थोड़ा सा पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं करवा पाता है, वो सिर्फ है ना एक बुक्स दे दिया इसमें से आप ही पढ़ लो या आप ही आपका देख लो, ऐसा है कहीं पर, बट मैम के यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से नोट्स अवेलेबल रहे और वीडियोज़ भी हमें अच्छे से, मैम ने जो भी क्वेरी थी मैम रात को 3, 3:30, 4 भी हमको अवेलेबल हो जाती थी। कभी कभी हम मॉर्निंग में स्टडी करते थे, मैम को मैसेज करते थे, मैम अवेलेबल ही रहती थी, मैम बोलती थी तुम जब भी करो मैं अवेलेबल हूँ, तो मैम ने हर डाउट क्लियर किया है। ओके, थैंक यू, wish you all the best। Harshita is also a very good person and a good artist, very
क्या बोलते हैं इनोसेंट एट हार्ट. थैंक यू सो मच मैम. आई फाइंड यू ऑलवेज लिटिल इनोसेंस इन यू. विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छा काम करो दोनों आप और संस्कृति सिनेमा में. अच्छे क्लाइंट्स करो. अगर आगे जाके स्टूडेंट्स ले रहे हो तो अच्छा सिखाओ. यस मैम. अच्छे स्टूडेंट्स बनाओ. ऐसे हमेशा सोचना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे कैसे जाएगा. yes, ऐसे सोचना चाहिए तो ही आप एक अच्छी टीचर बनोगे. यस मैम. एग्जैक्टली. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मैम.